अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दरहर अभी गए ते इतो पार करके मैं जाना है कश्ती। तो अज का जो सफ़र है ना, मैं लगता बहुत ही मुश्किल होने वाला है। वजह है वे कि हवा चल रही है, तो हवा तो कश्ती चलना ज़रा मुश्किल होंगे। और उस तो बाद देखो रावी के ना पानी ज़्यादा आ गया है। यह देखो है बिल्कुल किनारे, यह देखो बिल्कुल किनारे पानी आया पे, पूरा दरिया ना भर गया होया। तो यह जिन् जमीन से फसल से तुम्हें नज़र आ रही थानू, यह देखो ए फसल से सारिया, तो ये जेरे आब आ गई ने, यानी कि डुब गई ने। तो पानी ज़्यादा आया हो दरिया अज। तो अगर मैं तुम दिखा सकता तो यह दूर जूम कर वो देखो, कुछ लोग तुम नज़र कुछ ना बहुत घट घट नज़र आ रहे हैं। वो देखो कुछ वो सामने वो पार ना कश्ती खड़ी हुई है, जिदे ते असी सफ़र करके जाना है। वो कश्ती उत्थे खड़ी है, तो वो काफ़ी फासला बच्चों आ गया होया। हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, बैठ के असी भी परली साइड पर जाना है। तो अच लगता है बड़ा मुश्किल जहाँ कोई सफ़र है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। वरना आम रूटीन के बच्चे ना इतने 15 to 20 मिनट लगते हैं, तो इधर उधर चले जाइए। तो अच लगता है कुछ मुश्किल होएगी। तो एक कश्ती मैं तुम दिखाना है, तो वो देखो थोड़ू अंदाजा तो हो गया होगा कि काफ़ी दूर हैगी है। तो एक कश्ती है वे पुरानी, टुटी पी है, पानी के बीच पई हुई है वाली। ए देखो तो यह मैं जी साइड तक खड़ा ना, वो कुछ लोग तुम नज़र आ रहे हैं, वो चुकी है कुछ लोग बैठे ने, इन्होंने भी बैठ के ना बाहर जाना है कश्ती के जरिए। तो तुम मेरे नाल रहो पूरी वीडियो से, ताकि मैं तुम्हें इतों बैठ के रस्ते जिदी भी पानी के अंदर जो असं जावे वो वीडियो पूरी तुम मुकम्मल देना वा इंशाल्लाह अज। तो मेरे चैनल सबसक्राइब जरूर करो। ये जो लोग बैठे ने ना, ये देखो ए ध्यान किने रुकना है, ठीक है, ए ध्यान किने रुकना है। इतों फिर मैं भी इतने तो सवार हो जाऊँगा। तो यह देखो ये दरिया के बच्चे आ रही जी, आ रही है काफ़ी सवारियाँ बच्चे ज्यादा ने। देखो ना कुछ क्लियर नज़र आने लग गए, थोड़ा नज़दीक आ गए। मोटरसाइकिल ते सवार लोग, मोटरसाइकिल ते लोग सवार ने, इतने पर ट्रैक्टर वगैरह भी नजर ला जाते हैं बाहर जाने होते। देखो वो आ रही कुछ से, और नाजरीन है देखो यह पानी हाले भी आ रहा है, यानी कि पानी ना इनू कहते हैं कि पानी चढ़ता पे है। देखो ये पिछले कोई कीड़े मकोड़े निकल के बाहर जा रहे हैं, क्या आ रहा है जो बाहर। इन गंडोए कहते हैं पंजाबी बिच ना, गंडोए है निकल के बाहर आ रहे हैं, सप टाइप है लेकिन इन गंडोया किया जाता है। देखो पानी ना किनारे तो बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि पानी मजीद होर आ रहा है। तो जिस तरह कह तो होता है ना, जरे आप आ गई ने पानी डूब गई ने, उस तरीके अगर पानी ज़्यादा आ गया तो यह भी जो फसल तुम नज़र आ रही ने ना, यह भी यदि जद आ जाएगी पानी की, तो पानी इत भी आ जाएगा, तो यह फसल खराब हो जाएगी।
ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਕਰਨਾ ਪਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰ, ਖਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ।